स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं लेकर के आया हूं 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि ABC एक ट्रेंगल है। ABC क्या है? एक ट्रेंगल है जिसमें कोण सी जो है वह समकोण है। यानी यहाँ जो है एक ट्रेंगल है ABC और इस ABC ट्रेंगल में कोण सी जो है वह एक समकोण है। यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है और AC पर एक पॉइंट है D और BC पर एक पॉइंट है E। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AE² + BD² यानी AE² + BD² AB² + DE² ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसको प्रूफ करते हैं। हमें चाहिए क्या? AE². अब गौर कीजिए कि इस ट्रेंगल में AE कहाँ है। AE ये है और यह AE इस ट्रेंगल का क्या है? कर्ण है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। तो लिखेंगे त्रिभुज ACE में, ACE में चूँकि कोण सी जो है वह कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए AE² = क्या हो जाएगा? AC² + EC² AC² + EC² अब आ जाइए BD, देखिए कहाँ है BD, ये है BD आपका, ये BD है। तो इस ट्रेंगल ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए 1। अब आ जाइए त्रिभुज DBC में, DBC में यहाँ भी कोण C जो है वह पड़ रहा है समकोण, इसलिए BD² = ये भी इस ट्रेंगल के लिए क्या है? कर्ण है। तो ये हो जाएगा आपका BC² + DC² BC² + DC² इसका नाम दे दीजिए 2। अब दोनों का लेफ्ट साइड देखिए, AE² है, BD² है, हमें क्या चाहिए? AE² + BD² चाहिए ही। दोनों को ऐड कीजिए तो लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट वाला राइट में जुड़ेगा। तो AE² + BD² = हो जाएगा हमारा AC² + EC² + BC² + DC² अब गौर कीजिए, हमें लेफ्ट मिल गया, राइट में चाहिए, राइट में क्या चाहिए? AB² चाहिए। अब AB को देखिए गौर से, ये बड़े ट्रेंगल का कर्ण है तो AB² = क्या होगा? AC² + BC². अब इसमें देखते हैं कि AC² और BC² है, इसको एक साथ मिला दीजिए AC² + BC² और EC² + DC² ये मिलकर हमारा DE² हो ही जाएगा। तो EC² + DC² ये दोनों मिला तो AB² बन गया और ये दोनों मिला तो DE² बन गया, हमारा प्रूव्ड हो गया जो चीज़ प्रूव करना था वह। तो बस ये पूरा एक्सरसाइज पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हमें जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देखिए। यहाँ कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, फिगर यही है, ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या किया हुआ है कि A से BC पर एक लंब डाला गया है AD, ये क्या डाला गया है? AD लंब डाला गया है और इस तरह से है कि ये साइड का 3 गुना ये साइड है, ये दिया हुआ है। DB का, ये DB जो है CD का क्या है? 3 गुना है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB² का 2 गुना AC² के 2 गुने और BC के सम के बराबर है। तो आइए इसको करते हैं AB² आइए, ये AD जो है लिखेंगे, चूँकि AD लंब है किस पर? BC पर, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी 90, इसलिए AB² बराबर क्या हो जाएगा? AD² + DB² AB² + DB² अब गौर कीजिए, AD जो है इस त्रिभुज का भी भाग है और यहाँ ये लंब है तो ये AC² - DC² के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे AC² - DC² + DB² चूँकि हमें आंसर जो लाना है वह AB और किस में लाना है? AC BC में लाना है, AD का यूज़ AD में नहीं लाना, इसलिए AD को कन्वर्ट कर दिए।
अब एसी में लाना है, इसलिए एसी को एसी रहने दीजिए, डीसी नहीं चाहिए, हमें डीसी नहीं चाहिए। अब जरा सा आप गौर कीजिए कि यह सीडी का तीन गुना है, ये इसका ये तीन गुना है। अगर इसको एक भाग मान लें तो इसको तीन भाग मानना होगा, ये एक्स होगा तो ये तीन एक्स होगा, पूरा क्या हो जाएगा, चार एक्स हो जाएगा। तो सीडी पूरे का वन बाई फोर हो जाएगा, तो डीसी की जगह पर हम वन बाई फोर बीसी लिख सकते हैं। अब बीडी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तीन भाग है, पूरा चार भाग है, तो तीन बटा चार बीसी। इसको कहीं लिख देना होगा हमको, ऊपर में ही हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि डीबी बराबर थ्री सीडी, इसलिए डीबी बराबर थ्री बाई फोर बीसी, तथा क्या लिखना होगा, ये सीडी बराबर वन बाई फोर बीसी। तो डीसी के बराबर हम लोग क्या लिख दिए, वन बाई फोर बीसी, और डीबी के बराबर लिख दिए थ्री बाई फोर बीसी। अब इसको हल करेंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ए सी स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्सटीन बी सी स्क्वायर प्लस नाइन बाई सिक्सटीन बी सी स्क्वायर, एल सी एम सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस नाइन बी सी स्क्वायर, ये भी बी सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है, इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो सिक्सटीन ए सी स्क्वायर प्लस एट बी सी स्क्वायर, और इस 16 को इधर भेज देंगे तो 16 क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, 2 ए बी स्क्वायर, यानी 8 से सबको डिवाइड कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो जो भी चीज़ हमें प्रूफ करना है वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ, इस तरह के जो भी 9 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उस सब का समाधान यहाँ मिलेगा। और यदि आप नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बने रहिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन।